स्पीकर बहुत अच्छे मां पहुंच गए हैं ओम बिरला जी हो गया सर चला जाए सुनाई पड़ेगा मत संख्या एक कोल्ड बैक स्पीकर माननीय अध्यक्ष महोदय मैं वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करती हूं यह अमृतकाल में पहला बजट है इस बजट में पिछली बजट में रखी गई नींव पर सतत निर्माण करते हुए भारत सौ के लिए खींची गई रूपरेखा पर आगे बढ़ते रहने की उम्मीद की गई है हम समृद्ध एवं समावेशी भारत की परिकल्पना अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों तक पहुंचे हमारी आजादी के पिचहत्तरवे साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर सात प्रतिशत पर होने का अनुमान लगाया गया है उल्लेखनीय बात है कि यह सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। यह कोविड उन्नीस और एक युद्ध के कारण विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था के बड़े पैमाने पर सुस्त पड़ने के बावजूद संभव हुआ है इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और चुनौतियों का समय होने के बावजूद उज्जवल भविष्य की दिशा में बढ़ रही है आज जबकि भारत के लोग अपना मस्तक ऊंचा करके खड़े हैं और दुनिया भारत की उपलब्धियों और कामयाबियों की सराहना कर रही है हम पूरा विश्वास है कि जिन अग्रजों ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी वे आगे बढ़ती हमारी कोशिशों को आनंदित होकर आशीर्वाद दे रहे होंगे हमने सबका प्रयास के माध्यम से व्यापक सुधारों और ठोस नीतियों के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया है जिनके परिणामस्वरूप जन भागीदारी और ज़रूरतमंद लोगों को लक्षित समर्थन मिल सका है इससे हमें मुश्किल वक्त में अच्छा करने में मदद मिली है दुनिया में भारत का कद कई शानदार उपलब्धियों की वजह से बड़ा है अद्वितीय विश्व स्तरीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधार कोविन और यूपीआई अभूतपूर्व पैमानों और रफ्तार से कोविड टीकाकरण अभियान अग्रिम मोर्चों जैसे कि जलवायु संबंधी लक्ष्यों को हासिल करना मिशन लाइफ और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में अत्यधिक सक्रिय भूमिका इनके उदाहरण हैं कोविड 19 महामारी के दौरान हमने 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 28 महीनों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ यह सुनिश्चित किया कि कोई भूखा ना सोए खाद्य एवं पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए हम पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले एक वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिक प्रयास परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना एक जनवरी 2023 से लागू कर रहे हैं और लगभग दो लाख करोड़ रुपए से अधिक के संपूर्ण व्यय का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में जी बीस अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को सशक्त करने का एक अद्वितीय अवसर देती है वसुदेव कटुंबकम की थीम के साथ हम वैश्विक चुनौतियों का निराकरण करने के लिए और टिकाऊ आर्थिक विकास संभव करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लोक केंद्रित एजेंडा पर चल रहे हैं वर्ष 2014 से भारत के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए बेहतर क्वालिटी की जिंदगी और इज्जत की जिंदगी सुनिश्चित की है प्रति व्यक्ति आय दुगनी से भी अधिक होकर एक दशमलव नौ सात लाख रुपए अधिक हो गई है इन नौ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी बड़ा है और यह दुनिया की दसवीं से पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है हमने कारोबार के लिए अनुकूल परिवेश के साथ एक सुशासित और नव अनुमेशी देश के रूप में अपनी स्थिति में उल्लेखनीय रूप से सुधार किया है जैसा कि अनेक वैश्विक सूचकांकों में परिलंबित होता है हमने कई साधारणीय विकास लक्ष्यों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है अर्थव्यवस्था और अधिक औपचारिक हो गई है जैसा कि वर्ष 2022 में ई सदस्यता के दुगने से अधिक 27 करोड़ होने और यू के माध्यम से 126 लाख करोड़ के 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान से प्रतिबिंबित होता है लक्षित लाभों को सबके लिए सुलभ कराने के साथ अनेक योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप समावेशी विकास संभव हुआ है कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक ग्यारह दशमलव सात करोड़ परिवारों में शौचालय उज्ज्वला के अंतर्गत नौ दशमलव छह करोड़ एलपीजी कनेक्शन 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण सैतालीस दशमलव आठ करोड़ पीएम जनधन बैंक खाते पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत चवालीस दशमलव छह करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर और इलेवन ग्यारह दशमलव चार करोड़ से अधिक किसानों को दो दशमलव दो लाख करोड़ का नकद अंतरण देना पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर